गरुड़ पुराण छठवां अध्याय। इस अध्याय में जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्म को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना इत्यादि आया है। गरुड़ वाच कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागतः। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सब कुछ मुझे सुनना है, मुझे बताइए। भगवान उवाच स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रशोनिते। भगवान ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है वह मैं तुम्हें कहूंगा। भगवान ने कहा कि ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी यानी कि धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की यही 3 माताएं बताई गई हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, 3 मास में नख यानी कि नाखून, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4 मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास उत्पन्न होती हैं। 6वें मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी ओख में घूमता है और माता के द्वारा खाए गए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ क्षुधित कृमियों द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव बार बार मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के द्वारा उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त होगा? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ
प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर यानी कि उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण लेता हूं। हे नाथ, यानी कि गर्भ में ही वो शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। जब कृमियों द्वारा वो काटा जाता है, जब उसे वेदना होती है, तब वो प्रार्थना करता है भगवान से, कहता है कि हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव, पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में आ फंसा हूं। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। मैं विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकलूंगा? जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े अथवा मैं माता के गर्भ गृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूं। श्री भगवान वाचन। भगवान ने कहा, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्णावस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के परायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते हैं, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत यानी कि विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। श्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ होता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोग कर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। आसुरी संपत्ति किसे कहते हैं?
तो दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपत्ति कहलाती हैं। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कामलंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भावभंगिनी से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा कीट। हिरण, हाथी, पतिंगा, भौंरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन पांचों विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा? अभिप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाला अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी के द्वारा दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयाशक्ति के कारण व्यर्थ और नष्ट कर लेता है उससे बढ़कर पापी और कौन होगा? सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उसमें भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को पाकर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पासों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई है, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। इस प्रकार से गरुड़ पुराण का ये छठवां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम सातवां अध्याय श्रवण करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान।